Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. First organelle जो हम discuss करेंगे वो है endoplasmic reticulum. इसको short में ER भी बोला जाता है. And what is ER? What is endoplasmic reticulum? It is a large network of membrane-bound tubes and sheaths. Membrane-bound, जिनकी membrane होती हैं, वैसी tubes और sheets का एक large network, उसको हम endoplasmic reticulum बोलते हैं. And it looks somewhat like this. आप देख रहे हैं, अलग-अलग sheets भी हैं, अलग-अलग tubes भी हैं, और उनका एक network है. This is how endoplasmic reticulum looks. Now, it extends through the cytoplasm. Cytoplasm में extended होता है. और दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER भी कहा जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी कहते हैं. ठीक है. सो मेन फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, इट सर्व्स एज चैनल फॉर सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजंस ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल बनता है, या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है उसको चैनलाइज करता है. ठीक है. एंड इट फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी. क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी फिगर के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, तो इससे सरफेस एरिया साइटोप्लाज्म का बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से बायोकेमिकल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है. नाउ व्हाट इज RER? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर अरेंज इनटू फ्लैटेंड सैक्स. फ्लैट सैक्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं ये. इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको रफ कहा जाता है. तो जो रफ अपीयरेंस है वो क्यों है? क्योंकि सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, और जो राइबोसोम्स है वहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है. सेल्स दैट स्पेशलाइज इन सिक्रीटिंग प्रोटीन्स हैव लॉट्स ऑफ रफ ईआर. जिनमें प्रोटीन सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है सेल्स में, वहां पर बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज SER? SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. They are a series of interconnected tubules. Tubules जो interconnected हैं, वो smooth endoplasmic reticulum होते हैं. इनके surface पे कोई ribosomes नहीं होते. And ये fat molecules या lipids के manufacture में help करते हैं. और vertebrates के liver cells के अंदर जो SER है, वो बहुत सारे poisons and drugs को detoxify करता है. So ये सब चीजें, ये सब functions rough and smooth endoplasmic reticulum follow करते हैं.